नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और स्वागत करते हैं आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां देवरिया से। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का देवपार चौराहे पर शेषनाथ यादव और मणि के नेतृत्व में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देवपार चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। साथ ही गायक धनंजय यादव ने अपने गीत से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की यादें बताकर अपने गीत के माध्यम से लोगों को भावुक कर दिया। लोग उनके नाम पे चले आज भी कमी खलती है, ना कभी कोई पूरा कर पाएगा ना कभी कोई होगा। नेताजी को सत सत नमन। और आज भैया को मैं बधाई देता हूँ कि नेताजी की पूर्ति थी कराकर इन्होंने धन्य कर दिया कि हम लोग, मेरा सौभाग्य हम लोग यहाँ आए। अपील यही है कि नेताजी के कदम पर चले, जो नेताजी करके चले गए, कोई न था ना कोई होगा ना कोई है, नेताजी के कदम पर चलेंगे सभी लोग। मैं आग्रह करूंगा कि नेताजी के पद चिन्हों पर ही चले, नेताजी के मार्ग पर चले। नेताजी एक सामाजिक प्रोद्धा योद्धा थे, जो समाजवादी पार्टी के भले हमारी समाजवादी पार्टी भारतीय पार्टी नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी जो काम करके। अगली खबर बहराइच से। बहराइच में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री व समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह ने की। उन्होंने कहा कि नेताजी ने हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो आज भी हमारे बीच अखिलेश यादव के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा कि नेताजी को हम इस दिन सच्ची श्रद्धांजलि देंगे जिस दिन हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देश और प्रदेश के गरीबों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। आज उनकी पहली जयंती उनकी अनुपस्थिति में पार्टी कार्यालय में मनाई गई है और हम सब ने संकल्प लिया है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान, हिंदू मुस्लिम एकता की रक्षा के लिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। परेड मैदान में आयोजित होने वाले विशाल ब्राह्मण महाकुंभ सम्मेलन को लेकर ये आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख ब्राह्मणों को जुटाने की तैयारी है। राष्ट्रीय परशुराम सेना की ओर से कोशिश की जा रही है कि प्रयागराज के परेड मैदान में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को दी गई। जो कि जहाँ पे महाकुंभ लगता है वहाँ पे पूरे देश भर के ब्राह्मणों का महाकुंभ लगने जा रहा है, जहाँ पे 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। हम लोग 1 लाख लोगों की तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश भर से 18 राज्यों में राष्ट्रीय परशुराम सेना कार्य कर रही है, उनके प्रतिनिधि वहाँ से, कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से हर जिलों से लोग अपनी अपनी गाड़ियों से अपने अपने संसाधन से प्रयाग की धरती पर संगम के किनारे पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए हम एक ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिस महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पहला आयोजन होने। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर की खोरजा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी कब्रिस्तान में आज सनसनी फैल गई, जब कब्र से पुराना शव निकाला गया। आपको बता दें, मृतक के परिवार की अपील पर कब्र से युवक का शव निकाला गया। दरअसल परिजनों के मुताबिक 2 अगस्त को अपने दोस्त अयान के साथ मुंडा खेड़ा नहर में नहाते वक्त 16 वर्षीय फैज डूब गया था। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर SSP से गुहार लगाई थी। इस दौरान SDM समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर कब्र से शव निकाला गया। खबर फिर बुलंदशहर से। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली में दरोगा ने किसान नेता को पीट दिया। थाने में खड़ी सीज बाइक के उपकरण गायब होने की शिकायत लेकर पहुंचे नेता को भड़के दरोगा पीट दिया। दरअसल कुछ दिन पहले किसान यूनियन के नेता की बाइक को कागजात ना होने के कारण सीज कर दिया गया था। वहीं जब किसान नेता बाइक के कागज लेकर थाने पहुंचा तो बाइक के कुछ पार्ट गायब मिले, जिसकी वीडियो बनाने के चलते भड़के दरोगा ने किसान नेता को सरेआम पीट दिया। क्या
खबर अयोध्या से। प्रभु राम की नगरी अयोध्या इन दिनों लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव से सराबोर नजर आ रही है। कार्तिक का पवित्र माह चल रहा है और कार्तिक के महीने में अयोध्या लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार बनी रहती है। इसी कार्तिक के माह में अयोध्या में पारंपरिक 14 कोसीय परिक्रमा भी होती है। मुख्य रूप से अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमा होती है, जिसमें पहले परिक्रमा 84 कोस की, दूसरी परिक्रमा 14 कोस की, तीसरी परिक्रमा पंचकोसी होती है। 14 कोसी परिक्रमा के बाद 5 कोसी परिक्रमा अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पंचकोस परिवार के की जाती है। यह परिक्रमा हर साल दिवाली के बाद की जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। इसी पंचकोसी परिक्रमा की तैयारियों का जायजा प्राइम टीवी के संवाददाता ने लिया। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी एक बार फिर से पहुंचे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में हम खड़े हुए हैं महोबरा चौराहे पर। यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा निकलने वाली है। प्रभु श्री राम जी की 5 कोस की परिक्रमा यहाँ पे होती है। 5 कोस को अगर हम कैलकुलेट किया जाएगा किलोमीटर में तो 14 किलोमीटर होते हैं। अयोध्या में 14 किलोमीटर प्रभु श्री राम जी की परिधि के अंदर में परिक्रमा लोग करते हैं। यहाँ पे भीड़ की अगर बात करें तो अभी तो स्टार्टिंग हुई नहीं है, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। जो यहाँ पे रास्ते हैं उस पर बालू बिछाए जा रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पे परिक्रमा करेंगे वो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद की जा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कितने श्रद्धालु करते हैं परिक्रमा, तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा यहाँ पे करते हैं। कुछ लोग भी जो जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। ये 14 कोसी जो परिक्रमा है ये यही मार्ग से निकलती है? हाँ हाँ भैया। 14 कोसी परिक्रमा किस लिए की जाती है, इसके बारे में कुछ आपको पता है? भैया बहुत ज्यादा प्रभु श्री राम जी की परिधि के उपलक्ष में की जाती है। अच्छा, पंचकोसी परिक्रमा जो होती है उसके बारे में क्या बोलेंगे? पंचकोसी परिक्रमा श्री राम जी के उपलक्ष में होती है, दीपावली के बाद होती है। दीपावली के बाद में की जाती है। एक चीज बताइए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखती है? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है, योगी की सरकार में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। अच्छा, जो मठ मंदिर है उनमें सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत एकदम पूर्ण रूप से एकदम सब कुछ सही। आप लोग यहाँ की जनता संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता यहाँ की एकदम संतुष्ट है। और जो खुदाई हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? खुदाई, अब रोड बनेगा या निर्माण होगा किसी चीज की, नई चीज की, तो आवश्यक रूप से वो होगा। जैसा कि क्या बोलते हैं, नहीं अब निर्माण कार्य चल रहा है तो खुदाई होगा, फिर दुरुस्तीकरण होगा, बनेगा, वो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जनता संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, बाकी साफ सफाई बहुत, चौक चौबंद कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार ठीक ठाक। अयोध्या में अगर हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों के घर टूट रहे हैं चौरीकरण में, जो चौड़ाई हो रही है प्रभु श्री राम जी की, जो नगरी है उसको सजाई जा रही है, और लोगों का यहाँ पे जगह जगह पर सीवर खुद रहे हैं, जगह जगह पर रोडें हैं वो खुद जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में कोई भी आदमी से अगर हम बात करेंगे तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि सब खुश हैं कि प्रभु श्री राम जी का जो भव्य मंदिर है वो तैयार हो रहा है। और यहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं बहुत चाक चौबंद हैं व्यवस्थाएं यहाँ पे। और भी हम कुछ लोग से बात करेंगे अगर हम मिलेंगे, क्योंकि चौराहे पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं। ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा की जाती है। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पे 14 कोस की परिक्रमा यहाँ पे प्रभु श्री राम की जाती है। 2 परिक्रमा दिवाली के बाद में यहाँ पे की जाती है प्रभु श्री राम जी के आगमन के लिए। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी अयोध्या। खबर अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के गोविंद साहब धाम में प्रत्येक वर्ष गोविंद दशमी स्नान के बाद माह भर चलने वाले मेला की शुरुआत होती है। इस बार गोविंद दशमी स्नान 22 दिसंबर को पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन गोविंद सरोवर में स्नान और मठ पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। इस मेला में अंबेडकर नगर के अलावा आसपास के आधा दर्जन से अधिक जिलों के लोग पहुँचते हैं। वहीं मेले को भव्य बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए साफ सफाई के साथ साथ सड़क निर्माण के काम भी कराए जा रहे हैं। वहीं तैयारियों को लेकर 29 नवम्बर को बैठक भी प्रस्तावित की गई है, जिसमें तैयारियों के दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज क्षेत्र स्थित मौजगिरी घाट पर वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं ने 1.25 लाख दीपों का दीपदान किया। श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में दीपदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान लाखों दीपों की रोशनी से यमुना घाट जगमगा उठा। लेकिन कम नहीं होंगे,
और एक देवदान का ऐसा है कि जो जमुना मैया को, गंगा मैया को अगर एक दीप जला नहीं, उसके जीवन में प्रकाश है, लेकिन एक दीप दान गंगा मैया में जहा, तो जैसे उसमें वो जगमग दीप जलता है, इसी प्रकार भगवान की कृपा से उसका जीवन का भविष्य दीप की तरह उज्जवल होता है। कहा के अंधेरा में गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा, जो दीपक बिन मंदुरिया सोना नहीं वस्तु का बेरा, मंदिर है दीपक नहीं है तो वहाँ अंधेरा है, उसमें क्या वस्तु रखी कोई बेरा उसका नहीं है, और जब दीपक होगा प्रकाश हो जाएगा तो है। कैसा लग रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।